नमस्कार एयरटेल में आपका स्वागत है। मैं दीपिका, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी नमस्ते मैम। जी बोलिए। दोस्तों एयरटेल के कस्टमर केयर से कैसे बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही सुना दिया, आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि एयरटेल के कस्टमर केयर से कॉल कनेक्ट हम कैसे करेंगे। दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको पहले ही बता दूं, ताकि मतलब जिस टाइम हम कॉल लगाएंगे थोड़ा बताएंगे तो मतलब दोनों आवाज़ टच होगी तो थोड़ा सा आप समझ नहीं पाएंगे। मैं पहले ही बताना चाहूँगा, एयरटेल के कस्टमर केयर से बात करना थोड़ा सा कठिन है, जानते हैं क्यों? देखिए, जब हम कॉल लगाएंगे तो कॉल के बाद जैसे वो बोलेंगे कि प्रीपेड के लिए 1 दबाएं, पोस्टपेड के लिए 2 दबाएं, टीवी के लिए 3, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो आपको मतलब सुनते ही तुरंत नहीं दबा देना है। पहले 1 से 9 तक जितने मतलब वह बोल रहे हैं जितना पॉइंट, उस पॉइंट को पूरा सुन लीजिए 1 से 9 तक। फिर जब वह बोलना चुप करे तब आपको दबाना है, तभी जाके कॉल लग पाएगी, नहीं तो कॉल नहीं लग पाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। इस बात को नोटिस करिएगा, आगे वैसे मैं आपको बताऊंगा, रिपीट करता रहूंगा कि आप पूरा सुनने के बाद ही दबाइएगा। जब वो 1 से 9 तक बोल रहे उसके बाद दबाइएगा, फिर मान लीजिए जो पॉइंट आप दबा रहे उसके बाद जो जो बोल रहे फिर सुन लीजिए, फिर उसके बाद दबाइए, मतलब पूरा पूरा सुनने के बाद बाद दबाना है, तब कॉल लगेगी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। आइए बताते हैं एयरटेल के कस्टमर केयर से हम बात कैसे करें। अपने डायलर में जाना है, लिखना है 198 और इसी नंबर पर आपको कॉल करना है अपने एयरटेल वाले सिम से। जैसे ही आप कॉल करेंगे, एयरटेल 5G प्लस आप लाइव है, प्रीपेड संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाएं, एक्सट्रीम फाइबर और फिक्स लाइन के लिए पूरा सुनने के बाद दबाना है, ध्यान रखिए, पोस्टपेड संबंधित जानकारी के लिए 3 दबाएं, एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए 4 दबाएं। अब पूरा बोल नहीं, अब दबा देना है 1, ऐसे ही हर बार पूरा सुन सुन के दबाना है। 28 जून 2024 को आपके पैक की वैधता समाप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अपने मोबाइल पर SMS के माध्यम से भेजे गए लिंक से अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए 299 रुपए का रिचार्ज करें। ध्यान दीजिए, आपको अपने नए प्लान के साथ अतिरिक्त बेनिफिट्स मिले हैं जिनको अभी क्लेम करना बाकी है। अभी क्लेम करने के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाएं। ये जानकारी SMS द्वारा पाने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। 2 दबा दीजिए। इंटरनेट का काम ना करने, कॉल करने या रिसीव करने या SMS ना भेज पाने से संबंधित समस्या की रिपोर्ट करने के लिए 1 दबाएं। अकाउंट से संबंधित जानकारी जैसे डेटा बैलेंस, टॉक टाइम बैलेंस और वैधता, बेस्ट ऑफर्स, रीसेंट रिचार्ज, 5G पर अधिक जानकारी, थैंक्स रिवॉर्ड्स और कूपन के लिए 2 दबाएं। सिम खोने की रिपोर्ट, सिम बदलने की स्थिति, ई सिम अपग्रेड, हेलो ट्यून, DND और अपना मोबाइल नंबर या PUK जानने के लिए 3 दबाएं। पूरा सुन लीजिए। प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने के लिए, नया प्रीपेड कनेक्शन खरीदने के लिए, अपना नंबर रिचार्ज करने के लिए, IVR भाषा बदलने के लिए या रिक्वेस्ट रेज करने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। अब यहाँ पे पूरा सुन लेने के बाद 1 दबा दीजिए। यदि आप डेटा सेवाओं या इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थ है तो 1 दबाएं। यदि आप कॉल करने या प्राप्त करने में असमर्थ है तो 2 दबाएं। SMS से संबंधित समस्या 3 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। 9 दबा दीजिए। कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर। नमस्कार एयरटेल में आपका स्वागत है, मैं दीपिका, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी नमस्ते मैम। जी बोलिए। मैम एयरटेल के नंबर पे अपने नाम की कलर ट्यून लगानी है। सर एयरटेल में जो नाम वाली हेलो ट्यून है सर, ये बंद हो चुकी है। कब तक चालू होगी मैम? हमारे पास अभी ऐसा कोई टाइम कमिटमेंट अपडेट नहीं कि कब तक चालू होगी सर। जाने दीजिए दोस्तों, मैम गुस्सा हो रही हैं और दोस्तों बस मुझे कॉल कनेक्ट करना ही सिखाना था, जैसा कि मैंने आपको सिखा दिया। जानकारी अच्छी लगी हो ना तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को, लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।